प्लस के सबसे ट्रेंडिंग सीरियल गुम है किसी के प्यार में इस बार दर्शकों को कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। शो में बीते ही दिनों में सभी ने ईशान को प्यार का इजहार किया था, जिसके बदले में सभी को ईशान ने जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था। इसके बाद ही सभी के सामने इस बात का खुलासा हो गया था कि इसके परिवार की मौत का जिम्मेदार ईशान था। इसके तुरंत बाद ही सभी बिना इंतज़ार किए भोसले निवास में तमाशा कर देती है। सभी अपना सामान लेकर घर छोड़कर जाने लगती है। ईशान उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है लेकिन वो चली जाती है। जाने से पहले सभी ईशान को एक जोरदार थप्पड़ मार के जाती है, जिसकी भोसले परिवार उम्मीद भी नहीं कर सकता था। ट्विटर पर तो ये ईशान को लगा थप्पड़ तेजी से वायरल हो रहा है। शो में दिखाया जा रहा है कि एक तरफ ईशान ने जहां सभी को चांटा मारा, तो वहीं ईशान का सच जानकर सभी उस पर टूट पड़ती है। वो खुद को पागल महसूस करती है। ईशान के पास सिर्फ यही समझाने के लिए होता है कि उसने कुछ जानबूझकर नहीं किया। वो सब उसे बताने के लिए सही वक्त का इंतजार कर रहा था। ये सब सुनकर सभी कुछ नहीं सुनती और ईशान को एक जोर का थप्पड़ जड़ देती है। वहाँ खड़ी रीवा, अक्का साहेब, राव साहेब और बाकी परिवार वाले सब देखते रह जाते हैं। ये सीन काफी वायरल हो रहा है। ईशान और सभी दोनों ही थप्पड़ों की वजह से काफी वायरल हो रहे हैं। इस पर कमेंट करके यूजर्स काफी मजे ले रहे हैं। एक ने कमेंट कर लिखा कि सभी ने ईशान को थप्पड़ मारा, अब हुआ ना हिसाब बराबर, यही सही हुआ। ईशान भोसले, आप इसके पूरे हकदार हैं और कौन से एहसान की बात कर रहे हो तुम, झूठे कहेंगे। वहीं दूसरे ने लिखा, ये बस मेकर की वजह से है ईशान को थप्पड़ खाना पड़ा। एक ने तो ये तक लिख दिया कि ये मेरा अब तक का सबसे फेवरेट सीन है।